सोने की शुद्धता को हम लोग कैरेट में परखते हैं, लेकिन कितने कैरेट में कितना प्योर गोल्ड है ये हमें कैसे पता लगेगा? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले होता है 24 कैरेट गोल्ड, जिसमें 99.9% तक प्योर गोल्ड होता है। अब इसे खरा सोना है ही नहीं, लेकिन इतना सॉफ्ट होता है कि इससे ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। फिर आता है 22 कैरेट गोल्ड, जिसको 916 गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 91.6% प्योर गोल्ड होता है और बाकी बचे हुए परसेंटेज में कॉपर और जिंक जैसे मेटल मिक्स होते हैं। अभी थोड़ा हार्ड होता है तो इसे ज्वेलरी बनाना आसान होता है। फिर आता है 18 कैरेट गोल्ड, जिसमें मात्र 75% तक की प्योर गोल्ड होता है और बाकी बचे हुए 25% में निकिल, कॉपर और जिंक जैसे मेटल मिक्स होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे कैरेट घटता जाएगा, सोने की शुद्धता भी घटती जाएगी और साथ ही साथ सोने की चमक भी घटती जाती है। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये सुपरमार्केट वाले किस तरह से सुपर ट्रिक्स लगा के आपको अपना माल बेचते हैं, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले तो वो ज्यादा यूज आने वाली चीजों को सुपरमार्केट में सबसे लास्ट में रखते हैं, और अगर आपको वो चीजें चाहिए तो आपको पूरे सुपरमार्केट के बीच में से निकल के जाना पड़ेगा, और बीच बीच में आपको और भी आइटम दिखेंगे जिसपे शायद आपका दिल आ जाए और आप उसे खरीद लें। दूसरा, सुपरमार्केट में आप कभी भी क्लोक लगी हुई नहीं देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप बिना टाइम का अंदाजा लगाए अपनी शॉपिंग को एंजॉय करते रहें। भले आप 15 मिनट के लिए आए हो, तब भी आप सुपरमार्केट में 2 घंटे तक घूमते रहेंगे। गाइस, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो।